हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ झूमर। झूमर कैसे बनाना है ये देखिए, मैंने इस टाइप से दो झूमर बनाए। ये 5 लेयर का है और ये है जो सिर्फ 3 लेयर का है। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर मैंने फाइबर की डिश ली है और ये दो कलर के मैंने हार्ट शेप में ये क्रिस्टल का लिया है। यहाँ पर मैंने सेम कलर में मोती लिए हैं, बड़े और छोटे साइज के हैं। और ये क्रिस्टल है जो सबसे लास्ट में हमें लगाने के लिए चाहिए। और यहाँ पे मैंने दो टाइप के मोती लिए हैं, वाइट और गोल्डन कलर में। हमें यहाँ पे धागा बहुत मजबूत लेना है। इस तरह से हम क्रिस्टल धागे में डाल देंगे। फिर हमें एक सुई ले लेनी है ताकि हमें जो मनी और ये सब हमें इस धागे में डालने हैं वो आसानी से चली जाए। यहाँ पे पहले मैं छोटा गोल्डन मोती ऐड कर रही हूँ। उसके बाद जो हमने हार्ट शेप का ये क्रिस्टल लिया था वो डालेंगे और इसके बीच में जो गैप है वहाँ पे हम गोल्डन कलर का मोती ऐड करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे रेड कलर का गोल्डन मोती या फिर कुछ अलग वैरायटी के जो मोती वगैरह आते हैं वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस तरह से हमने अंदर डाल दिया है। यहाँ पे फिर से मैं एक गोल्डन मोती लूँगी। ये देखिए इस तरह से हमारा ये रेडी हो गया है। इसके बाद मैं यहाँ पे वापस एक बड़ा रेड वाला मोती इसमें डालूँगी। इसके बाद हमें ये पाइप ले लेनी है। ये भी फाइबर की ही है, कोई भी स्टोर में आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। इस तरह से मैंने इसमें पाइप भी ऐड कर लिया है। ये देखिए इसके बाद हम वापस रेड मोती ऐड करेंगे और उसके बाद हम वापस से गोल्डन मोती ऐड करेंगे। रेड वाला मोती मैंने छोटा वाला लिया है और नीचे की ओर जो लगाया है वो मैंने बड़ा मोती लिया है। ये देखिए इस तरह से हमारा फर्स्ट लेयर का रेडी हो गया है। और ये हम सेकंड लेयर के लिए रेडी करेंगे। इसमें भी मैंने क्रिस्टल डाल दिया है। इसके बाद सेम प्रोसेस, वही छोटा गोल्डन मोती हम डालेंगे। फर्स्ट टाइम में हमने रेड वाला क्रिस्टल जो हार्ट शेप में है वो यूज़ किया था, इस बार हम ग्रीन कलर का मोती यूज़ करेंगे। इसके बाद उसी तरह से हमने वापस गोल्डन मोती इसके अंदर ऐड कर लिया है। इसके बाद वापस हम गोल्डन मोती ऐड करेंगे और उसमें ग्रीन कलर का मोती ऐड करेंगे। फिर से हम इसमें पाइप यूज करेंगे। यहाँ पर हमें फर्स्ट लेयर से बड़ा बनाना है, सो यहाँ पे हम दो पाइप यूज़ करने वाले हैं। सो उसके बीच में मैं यहाँ पर 4 वाइट मोती यूज़ करने वाली हूँ। देखिए 4 वाइट वाले मोती मैंने ले लिए हैं और हम इसमें ऐड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने वाइट वाले मोती ऐड कर लिए हैं और इसके बाद हमें वापस से एक पाइप यूज़ करनी है। इसमें मैं वापस पाइप ऐड कर लूंगी। ये हमारा सेकंड लेयर भी रेडी हो गया है। यहाँ पर फिर से हमें उसी तरह से छोटा मोती और गोल्डन मोती यूज करना है। ये हमारा सेकंड लेयर भी रेडी हो चुका है। देखिए बीच में मैंने यहाँ पे 4 मोती यूज किए हैं व्हाइट वाले। अब हम यहाँ पे थर्ड लेयर यूज करेंगे। थर्ड लेयर में भी मैंने इसी तरह से क्रिस्टल डाल दिया है और यहाँ पे वापस हमें रेड कलर का जो क्रिस्टल है और मोती है वो यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं।
ये हम घर पे बैठे ही बना सकते हैं और बहुत सिंपल और आसानी से बनकर रेडी हो जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा हार्डवर्क भी नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, तो हम ये घर बैठे आसानी से बना सकते हैं। इसका मटेरियल हमें कोई भी जो मोती वगैरह के जो स्टोर होते हैं वहाँ पर हमें आसानी से मिल जाएगी। सो इसी तरह से हम आगे का प्रोसेस रेडी कर देंगे। यहाँ पर मैं रेड मोती ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर फिर से मैं पाइप डाल रही हूँ। यहाँ पे सेकेंड वाले में हमने दो पाइप यूज़ किया था, तो यहाँ पे हमें तीन पाइप यूज़ करना है। यहाँ पे मैंने वाइट वाले जो मोती हैं तीन ही यूज़ किए। आप अपने अकॉर्डिंग जितना चाहे उतना यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो या फिर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं मेरे साथ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मैंने इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये देखिए, इस तरह से मैंने मोती ऐड कर लिए हैं और वापस से हम पाइप यूज़ करेंगे। हमने तीन यूज़ किए हैं। इसके बाद वापस हमें रेड कलर का मोती यूज़ करना है और उसके बाद गोल्डन मोती भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये हमारा थर्ड लेयर भी रेडी हो चुका है। इसके बाद हम फोर्थ लेयर रेडी करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमारा थर्ड लेयर रेडी हो चुका है। यहाँ पे फोर्थ वाले लेयर के लिए मैंने वापस से क्रिस्टल ऐड कर दिया है। यहाँ पर फिर से मैं गोल्डन मोती ऐड करूंगी, इसके बाद ग्रीन कलर का मैंने ये हार्ट शेप वाला क्रिस्टल लिया है। इसके अंदर हमें ये गोल्डन कलर का मोती ऐड करना है। फिर वापस से मैं गोल्डन मोती ऐड कर दूंगी। ये देखिए, इस तरह से रेडी हो गया है। यहाँ पर फिर से ग्रीन कलर का मोती ऐड कर देंगे हम। इसके बाद हमें ये पाइप जो है हमें चार यूज़ करनी है, क्योंकि हमारा फोर्थ लेयर है। यहाँ पर मैं तीन तीन मोती ही यूज़ करने वाली हूँ। और फिर से हमें पाइप डाल देनी है। दोस्तों, झूमर का ये मेथड आपको कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। इस तरह से हम ये फोर्थ लेयर रेडी कर रहे हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने फोर्थ लेयर भी रेडी कर ली है। वापस से हम लास्ट में मोती ऐड कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने सारी लेयर्स रेडी कर ली है। ये पांच लेयर का मैंने टोटल बनाया है, तो मैंने ये सारी लेयर रेडी कर ली है। यहाँ पर हमें एक एक करके इस फाइबर के डिश में जो होल है उसमें हमें ऐड करते जाना है। यहाँ पर मैं इस तरह से ऐड करूँगी। एक एक होल में हमें डालना है एक एक लेयर का, और फिर जो लास्ट में जो डोरा बच जाता है उसे हमें गांठ अच्छे से दे देनी है।
गांठ अच्छे से देनी है ताकि वो छूट ना जाए। ये देखिए इस तरह से हमने दोनों मोती डाल दिए हैं। इस तरह से हमें मजबूती से गांठ लगा देनी है। ये डिश आपको 60 to 70 रुपीस में आसानी से मिल जाएगी और ये मटेरियल बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, ये आपको कोई भी मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। इसमें ये डिश छोटी मतलब 4 लेयर की भी आती है, 5 लेयर की भी आती है, 3 लेयर की भी आती है, जैसे आपको लगे ठीक उस तरह से आप डिश ले सकते हैं। ये लेयर मैंने 5 लेयर की ली है। इस तरह से हमने गांठ लगा दी है। इस तरह से हमें पूरे जो हमने बना के रखे हैं वो पूरे ऐड कर लेने हैं। इस तरह से ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इसी तरह से मैं पूरे डिश को कवर कर लूँगी। जो फर्स्ट लेयर है हमारे हमने कवर कर ली है इस तरह से। यहाँ पर अभी हमें सेकंड लेयर लगानी है, जो हमने ग्रीन वाला बना के रखा था उसे ऐड करना है सेकंड लेयर। ये देखिए इस तरह से मैंने सेकंड लेयर भी ऐड कर लिया है। पूरे घेरे में हमने सेकंड वाला ऐड कर लिया है। इसी तरह से मैंने पूरे जो डिश को कवर कर लिया है और सबसे लास्ट में हमने इस तरह से ऊपर की ओर बनाया है ताकि ये हम टांगने के लिए आसानी से हो। ये देखिए हमारा जो झूमर था वो रेडी हो चुका है। ये हमारा झूमर रेडी हो चुका है। दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि हमारे सारे आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। टेक केयर।